हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी, फिर से हाजिर एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। बात करेंगे आज हम संजय दत्त को लेकर के। तो संजय दत्त जो है वो एक नए प्रोजेक्ट में काम करते नजर आ रहे हैं। प्रोजेक्ट का नाम है लियो, उस पर चलिए बात कर लेते हैं। तो देखिए, इंडियन सिनेमा के पक्के वाले फैंस के लिए संजय दत्त से अल्टीमेट खलनायक कोई हो ही नहीं सकता है। यश के KGF वर्ल्ड में संजय की एंट्री कितनी भौकाल थी, ये कोई भूल नहीं सकता। फिल्म से उनका लुक सामने आते ही थिएटर्स में यश से भिड़ते देखने के लिए तैयार थी लोग, और पूरी तैयारी भी देखने को मिली। थिएटर्स में बड़ी स्क्रीन पर अपने फेवरेट संजू बाबा की एंट्री से लेकर के यश के साथ उनके फाइट सीन तक जनता ने तालियों और सीटियों से बरसाते बौछारें कर दी। अब संजय दत्त साउथ की कई बड़ी फिल्म में विलन का रोल कर रहे हैं। इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा इस समय लियो की है। डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने कैथी और विक्रम से एक्शन ड्रामा से भरा हुआ धमाकेदार सिनेमैटिक यूनिवर्स तैयार किया है, और लियो इसी यूनिवर्स की नई फिल्म है। फिल्म में हीरो थलपति विजय हैं, और टीजर में ही विजय का किरदार तलवार की धार पर चॉकलेट चढ़ाए अपने दुश्मनों को ब्लडी स्वीट मौत देने के लिए तैयार दिख रहा था। लियो में उनकी ये टक्कर संजय दत्त से है, ये सोच करके ही मां सिनेमा फैंस की एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। संजय दत्त के बर्थडे पर लियो के मेकर्स ने फिल्म से उनकी एक झलक शेयर की है, और ये वीडियो देखने के बाद जनता अपने खलनायक का स्क्रीन पर आग लगा देने वाला अवतार देखना पसंद कर रहे हैं। वहीं लोग रिपीट करके इसे देखते भी नजर आ रहे हैं, और बार बार वीडियो देखते ही फैंस जनता ने अब लियो में संजय दत्त के किरदार को लेकर के कई थ्योरीज भी बना ली हैं। किस तरह की थ्योरी आपको बताते हैं। तो लियो में संजय दत्त एक गैंगस्टर के रोल में हैं। रिपोर्ट्स और फिल्म का टीजर इशारा करती है कि वो एक ड्रग लॉर्ड यानी कि उनका ड्रग्स का कारोबार है। मेकर्स ने ये रिवील कर दिया है कि फिल्म में संजय दत्त के किरदार का नाम एंटनी दास है, और लियो के पहले गाने ना रेडी का वीडियो ध्यान से देखने पर भी फुल एनर्जी में डांस करते विजय के पीछे अपनी आपको दीवार पर एक नाम दिखता है, एंटनी दास एंड कंपनी, यानी जिस जगह पर विजय डांस कर रहे हैं वो संजय के एंटनी दास का एरिया है। यानी या तो विजय का किरदार एंटनी के लिए काम करने वाला हो सकता है, या दोनों भाई भी हो सकते हैं। तो काफ़ी खतरनाक किरदार हो सकता है। काफ़ी विलन और हीरो का कनेक्शन की बात की जा रही है, तमाम चीज़ें बात की जा रही है। हालांकि हर कोई एक्साइटेड है इसको लेकर। आपकी एक्साइटमेंट क्या, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।